पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने शनिवार को छठ तालाबों की साफ सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री पांडे ने छठ महापर्व समिति के सदस्यों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारियां ली। श्री पांडे लक्ष्मण तालाब और दर्री तालाब एवं कुर्सीपार बापूनगर तालाब का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि छावनी के तालाब बहुत पहले डबरी थे, 30 वर्षों में इसका बड़ा स्वरूप हुआ है। यह आस्था व विश्वास के साथ हजारों भक्त छठ त्योहार मनाने तथा डूबते व उगते सूर्य का अर्घ देने आते हैं। उन्होंने तालाब निरीक्षण व व्यवस्थाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, ये तालाब बहुत पहले डबरी था और विगत 20 वर्षों में लगभग इसका बड़ा स्वरूप हुआ है और अच्छा है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था का और अपने विश्वास के साथ यहाँ पर अर्घ देने आते हैं। व्यवस्थाएं की जाती है, कम ज़्यादा होता है तो भी जो भक्त हैं उनके भक्ति में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि मैं भी स्वयं छठ का भक्त हूँ, इसीलिए क्या कमी और ज़्यादा ये यहाँ वाले जानेंगे। मैं कल नहीं आ सकता था शाम को, नियमित रूप से हम इस तालाब में आते थे छठ व्रतधारियों को बधाई देने के लिए। तो आज हमारे समिति के आके अध्यक्ष आरपी सिंह जी, डॉक्टर साहब और पार्षद लोग सबने कहा कि आज ही जरा एक बार जो मुलाकात हो जाए उसी दिन से आया हूँ। व्यवस्थाएँ तो जो हो रही है और जो बाकी बताएंगे। ठीक है।